आज प्रियंका जी हमारे बीच में आई हैं, राहुल गांधी जी हमारे बीच में यात्रा कर गए थे। इस क्षेत्र के जनता ने हमेशा कांग्रेस पार्टी को मदद करी है, ताकत दी है। हम लोगों ने बढ़िया काम किया है, आपके बीच में जो विकास हुआ है, हमारे मंत्री जिले के दो दो तीन तीन मंत्री हैं, विधायक हैं, सबने मिलकर आपका विकास किया है। आज हम उम्मीद आपसे करते हैं कि सभा के बाद एक ऐसी लहर जिले पूरे क्षेत्र में होनी चाहिए कि एक एक सीट कांग्रेस पार्टी जीत कर जानी चाहिए, एक एक सीट पर यहाँ पर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का जीतना चाहिए। किसी का अगर कोई मनभेद है भी, छोटा मोटा मनमुटाव, उसको भूल जाओ। और जैसा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, नफरत की दुकान में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब तो मोहब्बत की चर्चा कल भी हो गई, आज भी हम लोग कर रहे हैं। मोहब्बत आपस में जोड़नी है, सब लोगों को साथ लेकर चलना है। और प्रियंका जी, आपके हर बार राजस्थान पर आने से कांग्रेस का वोट लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा के लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा किसको कहां पर टिकट दें। वो सब लोग जानते हैं कि इस बार कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, सब एकता से चुनाव लड़ेंगे। और भाजपा की झूठ और पाखंड की राजनीति को समाप्त करने का जो क्षण आएगा, वो 25 नवंबर को जब वोट पड़ेंगे, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, ताकि भारी बहुमत के साथ राजस्थान में हम इतिहास कायम करें और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं। मैं एक बार पुनः प्रियंका जी आपका स्वागत करता हूं। दौसा की जनता हमेशा पलक पावड़े बिछाए, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे आप हो, आपकी बात को हम लोग कभी इनकार करने वाले नहीं है। आप आह्वान करके चले जाओ, सारी की सारी सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डालकर देंगे। यह मैं आपको जनता की तरफ से आश्वासन दे सकता हूं।